नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप राज। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। 11.5 वर्ष पूर्व तत्कालीन एसपी सुभाष चंद्र दुबे के नेतृत्व में कनच कनौरा जंगल में 2 घंटे हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए 10 लाख के नामी हार्डकोर नक्सली मुन्ना विश्वकर्मा और 50,000 के नामी नक्सली अजीत कोल के पास से प्रतिबंधित असलाह बरामद होने के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने दोष सिद्ध पाकर दोषी हार्डकोर नक्सली मुन्ना विश्वकर्मा और अजीत कोल को आजीवन कारावास व 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2-2 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 23-24 मई 2012 को मुखबिर खास के जरिए यह सूचना मिली कि कनच कनौरा के जंगल में कुछ नक्सली अपराधियों की चहलकदमी देखी गई है, जो पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने तत्कालीन सीओ अनिल कुमार यादव, उपनिरीक्षक रविंद्र कुमार सिंह यादव, उपनिरीक्षक जेके सिंह, उपनिरीक्षक शिवानंद मिश्रा, उपनिरीक्षक सुनील चंद तिवारी, उपनिरीक्षक के राम मोहन राय, उपनिरीक्षक बीरेंद्र कुमार यादव को अपने अपने हमराहियों के साथ चौपन थाने पहुंचने के निर्देश दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे भी फोर्स के साथ चौपन थाने पहुंच गए। सभी लोग असलहों से लैस होकर बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य सामग्रियों के साथ कनच जंगल की तरफ बढ़े तो कुछ दूरी पर कुछ लोग असलहे के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। जब एसबी साहब ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने को कहा तो नक्सलियों ने पुलिस बल के ऊपर अंधाधुंध फायर करने लगी। अपना बचाव करते हुए पुलिस बल ने भी फायरिंग शुरू कर दी। करीब 2 घंटे हुए पुलिस मुठभेड़ के बाद नक्सलियों की ओर से गोलीबारी बंद हो गई। जब पुलिस बल के साथ निगरानी की गई तो 2 नक्सली दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम ने पकड़ लिया। शेष नक्सली भागने में सफल हो गए। पूछताछ में पकड़े गए नक्सली ने अपना नाम मुन्ना विश्वकर्मा उर्फ विद्रोही उर्फ राम वृक्ष पुत्र तिलकधारी निवासी समाबाद है कमारडीर थाना रॉबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र और दूसरे ने अपना नाम पता अजीत कोल उर्फ अभिषेक उर्फ हरिशंकर कोल पुत्र बहादुर कोल निवासी सनाइत थाना नौगढ़ जिला चंदौली बताया। तलाशी करने पर उनके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित असलाह और 55 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। बुलेट प्रूफ जैकेट पर 2 फायर लगा था। इस तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल किया था। हार्डकोर नक्सली मुंडा विश्वकर्मा के ऊपर यूपी एमपी बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ में 10 लाख का इनाम था। सिर्फ यूपी में 3 लाख का इनाम था। वहीं अजीत कौल के ऊपर 50,000 का इनाम था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्धि पाकर दोषी हार्डकोर नक्सली मुंडा विश्वकर्मा और अजीत कौल को आजीवन कारावास व 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। न देने पर 2-2 वर्षों की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक और अभियुक्त गढ़ों की ओर से अधिवक्ता रोशन लाल यादव ने बहस की। सुभाष चंद्र दुबे कप्तान साहब थे, आज जो है कि गवाही चली, जजमेंट हो रहा है, 6 तारीख का फिर होगा, आजीवन सजा हो चुकी है, फिर सजा होगी। तो सरकार से निवेदन है कि उच्च जांच किया जाए और हमको बरी किया जाए ताकि हम अपने बाल बच्चों में जींस खा सकें और समाज में रह सकें। समाज में रहने के लिए मैंने यहाँ आत्मसमर्पण किया कि मैं मुख्य धारा में चल करके समाज का सेवा करूँगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रहूँगा। आज 12 साल से मैं जेल में हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी समाज में जो है बहुत से नक्सली हैं जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहूँगा कि वो आकर के सरकार के साथ रहें, बच्चों में रहें, समाज में रहें। ये सब काम ठीक नहीं है। जो नक्सल विचारधारा है वो मार्क्सवादी विचारधारा है, उससे छोड़ करके समाज के मुख्य धारा में आए। आपके साथ न्याय नहीं हुआ? जी नहीं हुआ। हम न्याय चाहते हैं। हमको प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी बाबा है CM प्रदेश का, वो लोग हमके सहूलियत दें। क्या अन्याय हुआ ये तो बताइए। अन्याय ये हुआ कि मुठभेड़ दिखा दिया गया, केस तमाम लग गई। किसने सुभाष चंद्र दुबे कप्तान साहब यहाँ 2012 में थे, उन्हीं के रीजन में मैंने आया। आने के बाद मुठभेड़ दिखाया गया, तमाम केस लगी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि सर ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ, तो कहें आपको शासन से प्रशासन से मदद मिलेगी। आज 12 साल का दिन हो गया, कोई मदद नहीं मिला।
साथ धोखा किया गया है। अरे हाथ गोड़ बचा के रोशनलाल यादव जी 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 तो मुन्ना दोनों आज नहीं आ पाए किसी कारणों से। आज मुन्ना विष्णु को सजा सुनाई गई है, किस मामले में सजा सुनाई गई है, क्या सजा सुनाई गई? ये 2012 में मुठभेड़ हुई थी और लाल व्रत कोल, मुन्ना विश्वकर्मा और अजीत कोल, जिसमें लाल व्रत के पास कोई उस समय उस इस मामले में हथियार नहीं था, इसलिए वो दोष मुक्त कर दिए गए। पुलिस मुठभेड़ में भी दोष मुक्त हैं सभी लोग, पुलिस मुठभेड़ में सभी लोग दोष मुक्त हैं। और जो प्रतिबंधित असलहा मिला है, SLR और 9mm कार्बाइन जो असलहे मिले हैं, उसमें मुन्ना विश्वकर्मा को और अजीत कोल को 7/27(2) आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास की सजा आज हमारे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री हसानुल्लाह खान साहब ने ये सजा सुनाया। The unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 94